तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। Hey guys, welcome back to my channel. तो हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए दिल्ली के एक और इवेंट का वर्चुअल टूर लेकर। तो आज मैं आई हूँ बोहो बाजार फेस्टिवल में, जिसका समर एडिशन हुआ था अप्रैल में और ये है इसका विंटर एडिशन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारी डिटेल्स के साथ यहाँ का फुल टूर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उसका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है वो। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बोहो बाजार की लोकेशन है जेएलएन स्टेडियम दिल्ली और एंट्री इसकी है गेट नंबर 2 से और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको इसका पड़ेगा जेएलएन स्टेडियम। और अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आपको यहां पेड पार्किंग भी मिल जाएगी। टिकट की बात की जाए तो आप इसकी टिकट पेटीएम से, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर यहाँ के ऑफलाइन बॉक्स ऑफिस से भी ले सकते हैं। टाइमिंग इसकी है 11 PM ऑनवर्ड्स। तो हमने ले लिया है अपनी टिकट और अब चलते हैं अंदर। तो एंट्री करते ही यहाँ पर फुल ऑन क्रिसमस वाइब्स आ रही थी और यहाँ ये लंदन वाले ड्रेस वाले भैया भी थे। स्टार्टिंग में इन्होंने यहाँ पर ये सारे सेल्फी पॉइंट्स बना रखे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और डेकोर यहाँ का एक नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर था स्विस ब्यूटी का स्टॉल, जिसमें यहाँ पर अंदर डेकोर किया हुआ था आपकी सेल्फीज़ के लिए। ये इतना खूबसूरत सा मिरर लगा रखा था और इसी के बाहर यहाँ पर इनके सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसपे कि 25% ऑफ चल रहा है। वैसे ऑफ नहीं है, बट यहाँ इस फेस्टिवल में इन पे ऑफ चल रहा है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो वो 25% ऑफ में मिलेगा आपको। देन यहाँ पर हो रही थी हैंड पेंटिंग, जिसके चार्जेस थे 150। तो यहाँ पर आप फेस पेंटिंग भी करवा सकते हो, जिसके चार्जेस यहाँ पर मेंशन है। पोलरॉइड पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हो। हेयर ब्रेडिंग भी यहाँ पर हो रही थी, आपके बालों के लेंथ के हिसाब से उसके चार्जेस हैं। फेस पेंटिंग यहाँ पर हो भी रही है, आप देख सकते हो। देन ये स्टॉल था गर्मा गर्म टी शर्ट का, जहाँ पर आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ अपनी टी शर्ट पर प्रिंट करवा सकते हो। तो अगर आप कॉटन की टी शर्ट पर प्रिंट करवाओगे तो आपको उसके चार्जेस पड़ेंगे 300। वहीं अगर आप सरीना की टी शर्ट पर प्रिंट करवाओगे तो आपको चार्जेस पड़ेंगे 250। वाइट पे आप कोई भी प्रिंट करवा सकते हो, ब्लैक पे आपको इस तरीके का ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगा। तो ये स्टॉल है फीट मी अप का, और जितने भी आपको यहाँ पर ये प्रिंटेड शूज़ दिखाई दे रहे हैं, ये सब डिफरेंटली एबल लोगों ने प्रिंट किए हैं। तो यहाँ पर जितने भी किड्स शूज़ हैं वो सब 999 के हैं, और वैरायटी आप देख सकते हो। स्लाइडर्स भी हैं यहाँ पर, जिनके चार्जेस हैं 1200 से, और वैरायटी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है इनके पास। इस तरीके के आप हेयर बोज भी ले सकते हो। अगर आप सिंगल लोगे तो आपको 150 का पड़ेगा, बट अगर आप पेयर लोगे तो आपको वो 250 का पड़ेगा। देन इनके पास बड़ों के शूज़ भी थे, जिनकी स्टार्टिंग रेंज थी 1500। तो ये था जोनस ब्रांड का स्टॉल और यहाँ पर सारे होम डेकोर और गार्डन डेकोर थे। तो जो आपको ये जितने भी आगे आपको ये सारे शोपीस दिखाई दे रहे हैं, ये सब हैं 100 रुपीज़ ईच के। तो जो ये बुद्धा है, इसका प्राइस है 4000। ये जो पीछे आपको बड़े वाले प्लांटर्स दिखाई दे रहे हैं खरगोश वाला, ये है 800 का। और प्लांटर्स में इनके पास पीछे काफ़ी अच्छी वैरायटी है। देन ऊपर जितने भी आपको वॉल हैंगिंग दिखाई दे रहे हैं वो 400 ईच के हैं। ये स्टॉल था डेकोर कार्ट का, और जितने भी आपको आगे ये सारे शोपीसेस दिखाई दे रहे हैं, इनका प्राइस है 250 से 600 के बीच में, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट लग रहे हैं कुछ तो। एंड पीछे इनके पास जो ये लैम्प्स हैं फायर वाले, इनकी स्टार्टिंग रेंज है 1500 से और मैक्सिमम जाती है 4000 तक। तो ये स्टॉल था बॉडी बुटीक का, और ये जो हैंड बैग है इसका प्राइस था 2000। इसके ऊपर आपको जो इयरिंग्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी प्राइस है 350 ईच।
देन नीचे इनके पास क्लचेस भी थे डिफरेंट डिफरेंट, तो जो पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं वुडन वाले, ये वाले हैं 1800 के, इसके आगे वाले जो है ये हैं 1500 के, और ये वाले हैं 1200 के। देन यहाँ पर थे ये हैवी वाले इयररिंग्स, तो इनका प्राइस था 1000 ईच। आगे आपको ब्रेसलेट्स दिख जाएंगे, चोकर मिल जाएंगे, सबके प्राइस वेरी करते हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। देन ये ऊपर वाले जितने भी कोरियन इयररिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हैं 350 ईच। देन ये है इश्कारा ब्रांड का स्टॉल, और यहाँ पर ऑफ़र चल रहा था कि अगर आप कोई भी एक इयररिंग पिक करते हैं तो वो 250 का है, अगर पेयर लेते हैं इयररिंग्स का तो वो 400 का है, और अगर आप तीन इयररिंग्स लेते हैं तो वो 550 के हैं। और रिंग्स के प्राइस इनमें सबके मेंशन है कि कौन सी रिंग किस प्राइस की है, आप देख सकते हो। देन ये स्टॉल है ब्राउनी मम्मा का, और इनके पास डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की ब्राउनी थी, जैसे कि यहाँ पर है वॉलनट ब्राउनी, ये है मार्शमेलो ब्राउनी, ये क्रिसमस स्पेशल ब्राउनी है, और इधर भी आलमंड ब्राउनी थी। चॉको चिप वाली इनकी ख़त्म हो गई थी फिलहाल, तो बाकी सब जो है वो 200 की है, सिर्फ जो क्रिसमस स्पेशल ब्राउनी है वो 250 की है, और ये पर पीस है जैसे ये बॉक्सेस बने हुए हैं। देन यहाँ था उस तरह ब्रांड जहाँ पे आपको मेंस की काफ़ी अच्छी कलेक्शन देखने को मिल जाएगी, और इनके यहाँ पर फिलहाल इस फेस्टिवल में यहाँ पर ऑफर था बाय वन गेट वन का, कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हो तो आपको दूसरा प्रोडक्ट आपको फ्री मिले। और स्किन केयर और परफ्यूम की काफ़ी अच्छी रेंज थी इनके पास। तो ये है इस फेस्टिवल का गेम्स एरिया। तो सबसे पहला गेम है यहाँ पर एम द पिरामिड, जिसमें आपको 100 रुपीज़ में एक चांस मिलेगा, और आपको सामने जो कप्स का पिरामिड बना हुआ है आपको वो एक चांस में गिराना है, अगर आप वो गिरा देते हैं तो आपको प्राइज़ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट गेम है यहाँ पर रिंग टॉस, जो कि 100 रुपीज़ में ही है, और इसमें आपको 8 रिंग्स मिलेंगी, जिसमें से आपको 5 रिंग सामने रखी हुई बोतलों पे एम करनी है। अगर वो 5 रिंग आपकी चली जाती है, मतलब आपको एम तो 8 रिंग करनी है, अगर आपने 5 रिंग इन बॉटल्स में डाल दी तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है स्पॉट द नंबर, ये भी 100 रुपीज़ की ही है, और इसमें आपको नंबर बनाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जब आप बॉल को स्लाइड करते हो और उससे अगर नंबर बन जाता है जो यहाँ पर मेंशन है, तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा, और इसमें आपको एक ही चांस मिलेगा। देन नेक्स्ट है फीड द जोकर, और ये भी 100 रुपीज़ की गेम है, जितनी भी गेम्स हैं यहाँ पर सब 100 रुपीज़ ईच है। तो इसमें आपको 5 चांसेस मिलते हैं, जिसमें से अगर आपने 3 चांसेस में आपकी बॉल आपने जोकर को खिला दी तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा। और लास्ट गेम है इसकी बास्केटबॉल, जिसमें आपको 100 रुपीज़ में 3 राउंड्स मिलते हैं, और अगर आपने 70 पॉइंट्स बना दिए तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो हर बास्केट के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। तो ये स्टॉल था डिलाइट का, और इनके पास वैरायटी ऑफ स्कैंड कैंडल्स थी, और सभी कैंडल्स एक नंबर थी, मतलब मैं बता नहीं सकती इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी उनमें से कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। अगर आपको भी मेरी तरह स्कैन कैंडल्स पसंद हैं तो आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर देखना, बहुत अच्छी रेंज है इनके पास, और प्राइस भी नॉमिनली है, ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छी वैरायटी है। तो यहाँ पर आपको म्यूजियम ऑफ इल्यूजन का भी स्टॉल दिख जाएगा, जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट इल्यूजन देख सकते हो, जैसे कि है ये चेयर वाला, नेक ऑन द प्लेट भी है यहाँ पर, देन यहाँ पर ये कार्ड थी चेरी बेरी एक्सेसरीज की, जिनके पास इस तरीके के टॉयज थे। तो छोटे वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं 300 के, और जो पीछे आपको ये बड़े वाले दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे 400 के, और ये आजकल हर जगह पे दिखाई दे रहे हैं, इवन सरोजनी में भी आ चुके हैं ये। इनके पास नोटबुक्स थी, जर्नल्स थी, इयररिंग्स थे, लिप बाम थी जो कि आप देख रहे हो सामने रखी हुई हैं, ये स्ट्रॉबेरीज जो रखी हुई हैं ये बेसिकली लिप बाम है, और इनका प्राइस था 150। देन ये इयररिंग्स जो हैं इनकी स्टार्टिंग रेंज है 200 और मैक्स है 400, कीचेन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 250 में।
तो ये था क्रिएटिव हैंड्स का कार्ट, जिनपे क्रोशिया की काफ़ी अच्छी अच्छी आइटम्स थी। और ये इयररिंग्स थे यहाँ पर 150 के। नीचे इनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्रेसलेट्स हैं, नेक चेन्स हैं, क्लिप्स हैं, सबके प्राइजेज उनके पीछे मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला 300 का है। तो जो ये ऊपर वाला वॉल हैंगिंग था इसका प्राइस है 900, ये मिरर जो था इसका प्राइस 750 है, और बहुत सही लग रहा था ये। और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिरर थे इनके पास, इस तरीके के आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, इसका प्राइस था 900। और ऑप्शंस इनके पास इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी में, क्रोशिया में काफ़ी था, आप देख सकते हो इनकी पूरी कार्ड पे। ये कार्ड थी द मेलो डेकोर्स की, और इनके पास काफ़ी अच्छे फ्रेम्स थे, पेंटिंग्स थी, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और प्राइस भी ज़्यादा नहीं था। तो जो ये ग्लास वाले फ्रेम्स हैं जिन पे कोर्स लिखा हुआ है या फिर कुछ म्यूज़िक का है, तो ये वाले थे 600 के। पेंटिंग्स जो आपको दिखाई दे रही हैं छोटी वाली जो हैं, ये थी 300 की। कीचेन्स इनके पास थे 100 रुपीज़ ईच में। पीछे वाली जो पेंटिंग्स हैं बड़ी वाली, वो थी 900 की। देन ये स्टॉल था जिसका नाम मैं भूल गई, बट इनके पास काफ़ी अच्छे जर्नल्स थे, और इस तरीके के कोस्टर्स थे इनके पास, जिनके प्राइस यहाँ पे मेंशन है। ये वाले कोस्टर्स थे 4 का पेयर 250 का, और काफ़ी डिज़ाइंस हैं इनमें, काफ़ी कुछ कोट्स लिखे हुए हैं, काफ़ी क्यूट थे ये भी। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें सबके आगे उनके प्राइस मेंशन है, चाहे वो वॉल आर्ट हो या इस तरीके के थ्रेड आर्ट हो। तो काफ़ी वैरायटी थी इनके पास और काफ़ी सही चीज़ थी। देन यहाँ पे ये की चेन्स थे 250 में, और ये जितने भी हैं ये सब पेपर बैग हैं, और इनका प्राइस है 200, और सब पे कुछ ना कुछ कोड्स लिखा हुआ है। तो ये तो हो गई गेम्स और शॉपिंग स्टॉल की बात, अब चलते हैं खाने पीने की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा चाय पान, तो जहाँ पर इस वक्त सबसे फेमस चल रहा है कुल्हड़ पिज़्ज़ा और फायर पान, जिनके प्राइजेज आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन है। इसी के आगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा BRB, रेडबुल का स्टॉल आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके आगे आपको सारा अल्कोहल और वाइन्स ये सब मिल जाएगा, पूरा बोहो बार मिल जाएगा आपको। तो यहाँ आपको सो दिल्ली का कैफ़े मिल जाएगा, द कबाब चौक मिल जाएगा, इसके आगे आपको पॉर्किश डिलाइट मिल जाएगा, वुड बॉक्स कैफ़े आपको यहाँ मिल जाएगा, चुराज मिल जाएगा। तो ऑप्शंस यहाँ पे काफ़ी आप देख सकते हो, चीज़ केक एंड कंपनी आपको यहाँ मिल जाएगा, नायाब्स किचन आपको मिल जाएगा, कोनी चीवा आपको मिल जाएगा, पास्ता लाविस्ता मिल जाएगा, चाट हब मिल जाएगा। तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और प्राइस भी रीज़नेबल ही है सबका। तो यहाँ था ये ओ स्नैप का सेल्फ़ी फ़ोटो बूथ, जिसमें अंदर आपको पूरी डेकोरेशन दे रखी है क्रिसमस की, जिसके साथ आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। चार्जेज है, अगर आप इन्हीं के कैमरे से क्लिक करवाते हो तो 100 रुपीज़ पर पिक्चर चार्जेज हैं उसके। यहाँ पे एक्सेसरीज़ भी थी क्रिसमस की, तो जो हेयर बैंड्स हैं वो सारे 100 रुपीज़ के हैं। ये बैग जो था ये 450 का था, पीछे वाला बैग भी 450 का ही था। तो आप नॉर्मल अपने कैमरे से भी जाके वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप उनके कैमरे से क्लिक करवाते हैं तो आप इस तरीके से पिक्चर क्लिक होगी आपकी, जैसे ये ग्रुप खड़ा है यहाँ पर और सामने इनकी पिक्चर क्लिक हो रही है।
तो ये है ट्रूली मेडली का कैफ़े, और यहाँ पर ये कपल्स बैठे हुए थे जिनके बीच में कंपटीशन होना था कि कौन किसको कितना जानता है। तो वो कंपटीशन के बीच में होना था। देन इस तरफ यहाँ पर ये लॉक की वॉल बना रखी थी इन्होंने, जहाँ पर लोगों ने अपने नेम्स लिख लिख कर यहाँ पर लॉक लगा रखा था। और इसी के आगे यहाँ पर मिल रही थी ये कॉटन गेंडी, जिसके चार्जेस थे 150। सरोजनी नगर मार्केट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और यहाँ पर भी सरोजनी नगर मार्केट जितनी ही भीड़ हो रखी थी। रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हाँ वो आँखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों उन्हें बाकी न रहा। बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना, हम दुआ मेरे तू मैं तू मेरे, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। दिया तो की पाया चार्ज रहा मारे मुस्कारे बसा के रखूंगा, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, तू मान मेरी जान।